ठीक है बच्चों, हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी टॉपिक से संबंधित सारी बातें करेंगे। क्लियर? तो उपराष्ट्रपति स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो पहले देखे, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कहते हो, उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। कैसा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च पद, दूसरा सर्वोच्च पद। क्लियर? मतलब राष्ट्रपति के बाद आधिकारिक क्रम में जो किसी का नंबर जो आता है तो वो कौन है? उपराष्ट्रपति है। मतलब आधिकारिक क्रम में सेकंड पोजीशन जो धारण करता है वो कौन है? उपराष्ट्रपति। क्लियर? फिर जो हम लोग देखें कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। स्रोत है इसका कह सकते हो। क्लियर? स्रोत जो है अमेरिका के संविधान से। जो अमेरिका का मतलब यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर? अब जो देखा जाए कि भले ही अमेरिका के संविधान से लिया गया हो, लेकिन अपने उपराष्ट्रपति पद जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद में असमानता देखी जाती है। कैसी असमानता? जैसे अपने वहाँ का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने महीने कार्य कर सकता है? केवल 6 मंथ। मतलब यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश उसकी सीट रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह क्या रह सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी जिक्र फिर आएगा, आर्टिकल जो है 65 में दिया है। मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट एज ए अपने वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है। कितने महीने तक? अधिकतम 6 महीने तक चुनाव करा के राष्ट्रपति फिर से बन जाने आवश्यक हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? जबकि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति का पद है उसमें क्या सिस्टम है? जितने समय तक जो मतलब राष्ट्रपति है, और मान लीजिए राष्ट्रपति 2 वर्ष बाद किसी कारणवश जो है उसकी सीट रिक्त हो जाती है, तो 4 साल का कार्यकाल होता है अमेरिका में। तो 2 साल जो बचे हुए हैं उस पर उपराष्ट्रपति क्या रहेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये नहीं है 6 महीने करेगा। मतलब जितनी शेष अवधि बचेगी रिक्त सीट के बाद, तो उतने समय तक उपराष्ट्रपति किसका कार्य करता है? राष्ट्रपति। अपने वहाँ ऐसा नहीं है। अपने वहाँ कितने माह तक रह सकता है? केवल 6 माह तक। क्लियर? अब आइए जो हम लोग देखें भारत के जो उपराष्ट्रपति संबंधित बातें और राष्ट्रपति संबंधित बातें। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, भीमराव अम्बेडकर ने एक कोड लिखा। क्या लिखा? कोड में लिखा आपने, मतलब बात में लिखी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी कि जो राष्ट्रपति है वो केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासनिक कार्यवाहियों करने की उसके पास शक्ति है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो सदस्य होते हैं उनके साथ साथ राज्य की जो विधायिका होती है उसके भी सदस्य चुनाव में भाग लेने क्या हैं? जरूरी हैं। जबकि उपराष्ट्रपति जो है उसका मुख्य कार्य सभापति के रूप में होता है, इसलिए उसे आवश्यक नहीं है कि राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को उसके चुनाव में क्या किया जाए? आमंत्रित किया जाए। मतलब कहने का मतलब उन्होंने पक्ष लिया कि राष्ट्रपति में यह बहुत उचित है कि संसद के सदस्य, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ साथ राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति के लिए जरूरी है क्योंकि वो केंद्र और राज्य दोनों की प्रशासनिक कार्यवाहियों जो या प्रशासनिक शक्तियाँ निहित हैं। किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। केंद्र और राज्य दोनों की प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। जबकि उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई कार्य नहीं है, वो ज़्यादातर जो है सभापति के रूप में रहता है। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें क्या करें? चुनाव में मतदान इसके दें। क्लियर? फिर आ रहा बात, तो ये भी बात दिमाग में रख सकते हो। क्लियर? तो इससे ये पता चल रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है देखा जाए राज्यसभा के सभापति के रूप में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर? फिर आ जाइए जो हम लोग इनका निर्वाचन देखें। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन देखें? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जो निर्वाचन में देखेंगे इसका चुनाव भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसका कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव। मतलब राष्ट्रपति की तरह इसका भी चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष है। फिर ये जो है आनुपातिक प्रतिनिधि, आनुपातिक प्रतिनिधि
प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, तो मतलब इसका भी चुनाव क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणी मत द्वारा। ये यहाँ तक जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव होता था। फिर जो है इसका निर्वाचक मंडल कौन है, निर्वाचक मतलब जो इलेक्टोरल है इसमें कौन कौन इसके वोट दे सकते हैं, निर्वाचक मंडल का ये मतलब है। तो इसमें जो निर्वाचक मंडल में है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, कौन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं इसके चुनाव में, मतदान कर सकते हैं। अब कह दो कोई भी सदस्य इसमें से जो है नहीं हो पाया या किसी कारणवश सीट रिक्त रह गई तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी याद रखिएगा। यदि मान लीजिए कोई भी सदस्य संसद का वर्तमान में रिक्त सीट है नहीं पूरी हो पाई तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सीट की संख्या कम होने पर जैसे चुनौती, इससे संबंधित चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती है। इसमें चुनाव की कोई गलती नहीं चुनाव आयोग की, क्योंकि वो जब सीटें रिक्त है, मान लीजिए 543 सांसद होने चाहिए लोकसभा में, अब मान लीजिए 540 ही हैं, तो निर्वाचक की क्या गलती है जब सदस्य संख्या ही कम है। फिर दूसरी बात, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति में लेते थे, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य भाग, भाग नहीं लेते हैं। क्लियर, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य क्या होते थे, भाग, निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य भाग नहीं ले, मतलब चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, या राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है उस निर्वाचक मंडल में तो वो सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में वो सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, फिर कहेगा तो अब बताइए, ये बात पहले बताइए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो शामिल नहीं होते हैं लेकिन क्या होते हैं, हटाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, मतलब इसको चुनने में वो शामिल नहीं होंगे लेकिन हटाने में वो शामिल होंगे, तो वो कौन होते हैं, राज्यसभा, अब तो लोकसभा में होता ही नहीं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है, अब विधानसभा में मनोनीत नहीं होता है, अब तो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो क्या हैं, इसके चुनाव में वोट, उसके चुनाव में भाग लेते थे। इसकी शर्त क्या होती है राष्ट्रपति के चुनाव की, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्यसभा के जो 12 मनोनीत हुए वो शामिल नहीं किए गए, क्या। अब लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होगी, तो जब महाभियोग विशेष बहुमत होगा तो वो क्या है, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उसमें भाग लेंगे। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, समझने वाली बातें हैं ये, तो वो भाग लेंगे। जब वो जब हटाने की बात आएगी तो कुल बहुमत और कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित मत देने वाले को 2/3 बहुमत, ठीक है, या जो विशेष बहुमत दूसरा प्रकार क्या होता है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब पूरे नंबर्स का देखा आता है, बहुमत में क्या होता है पूरे नंबर्स की वैल्यू होती है, तो 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा के उनको काउंट किया जाएगा हटाने में। फिर मैं कह रहा हूँ कौन से ऐसे सदस्य होते हैं, क्या है, जो हटाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, और बताइए अब दूसरी तरीके से कीजिए, हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं जबकि इनको बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो कौन सदस्य हुए, मतलब मैं अब कह रहा हूँ, पहले तो कह रहा था इनको चुनाव में जो है भाग नहीं लेते हैं लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अब इसको उल्टा कह रहा हूँ कि हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में इनके भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि वो जब बनाना होगा तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसको बनाते हैं, लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो विशेष बहुमत किसका होगा, संसद के दोनों सदनों का, तो इसलिए विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्लियर, समझ में आया, चलिए आप आ जाइए किस पे बात कर रहे हैं, तो इस छोटे क्वेश्चन होते हैं बच्चे फंस जाते हैं कि ऐसा आएगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं,
फिर राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, हाँ फिर लिखेगा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे घुमा देता क्वेश्चन। लेकिन इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है, इसमें बस इतना ही है विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या हैं, चुनाव में इसके भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में, ठीक है। फिर 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक, ठीक है। तो ये याद रखेगा निर्वाचक मंडल में इनकी बातें याद रखेगा, 20 प्रस्तावक भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, 20 अनुमोदक। तो निर्वाचन ये हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन याद भी रखोगे आर्टिकल 66 में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है आर्टिकल 66 में, और ये भी याद रखोगे उपराष्ट्रपति का पद किसमें है आर्टिकल 63 में। क्लियर, बढ़े आगे। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, कार्यकाल, किस पे आ रहे हैं कार्यकाल, बढ़े आगे। कार्यकाल से भी पहले अब हम लोग अर्हताएं देखें, क्या देखें, अर्हताएं मतलब योग्यता, ठीक है। आर्टिकल 66 का एक सब पार्ट है, उसी में योग्यताएं भी आती हैं, 66 का 3 है, ठीक है। सब पार्ट कौन है, आर्टिकल 66 का 3 में क्या आता है, योग्यताएं, अर्हताओं को क्या कह सकते हो, योग्यताएं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है दिमाग में रखिएगा, क्या पॉइंट है, पहला कि भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक तो सिंपल है, ठीक है। आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ठीक है, आयु 35 वर्ष पूरी हो, ठीक है, 35 वर्ष से कम ना हो मतलब, ठीक है। फिर बच्चे तीसरी बात, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, योग्यता हो। फिर क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट, क्या है, लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण में जो है किसी भी पद पर ना हो, ठीक है, लाभ का पद ये है, क्लियर। चलिए तो अब और चीज़ें लाभ के, अच्छा कुछ पद हैं उनको लाभ का पद नहीं बताया गया, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, राज्यपाल है, राज्यपाल हो गया, संघ, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटीज, संघ शासित क्षेत्र एवं राज्य के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, इनको लाभ का पद नहीं बताया गया है, इसीलिए जो है क्या कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी के तौर पर ये लोग हो सकते भाग ले सकते हैं, क्लियर। फिर जो है हम लोग बढ़े आगे, किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो बात हमने निर्वाचन की करी और किसकी बात कर ली, अर्हता की बात कर ली, किसकी बात कर ली, अर्हता। अब आइए अगला जो फ्रेम करोगे किसको, कार्यकाल या पदावधि। एक पहले शपथ को देख लीजिए, किसको देख लेते हैं यहीं पे, शपथ बच्चे देखते हैं हम लोग किसको, शपथ, जो उपराष्ट्रपति की शपथ पहली बात किस आर्टिकल में बताई गई है, 69 में बताई गई बच्चे, ठीक है, क्लियर। उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति नियुक्त जो किया जाता है वो शपथ दिलाता है, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, क्लियर। फिर आ जाइए, अब मामला है इसकी पदावधि का टेन्योर, कार्यकाल बच्चे क्या, कार्यकाल, कार्यकाल। अब आप ही बताओ कार्यकाल में जो ये जो उपराष्ट्रपति है वो अपनी शपथ से लेकर 5 वर्ष तक क्या रहता है, उपराष्ट्रपति के पद पर रहता है, मतलब यह जो पद है कह लीजिए शपथ से लेकर, शपथ ग्रहण से लेकर, शपथ कार्यकाल किसमें है बच्चा कोई बताएगा, 67 में, किसमें है कार्यकाल, किसमें इसका 67 में, शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक, शपथ ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक क्या रहेगा, पद पर आसीन रहेगा, पदासीन रहेगा, पदासीन रहेगा,
किसके पद पर? राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पदासीन रहेगा। मतलब वो शपथ ग्रहण करने से उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक क्या रहता है? अपने पद पर रहता है। इस समयावधि से पूर्व, इस समयावधि से, समयावधि से पूर्व, से पूर्व राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, इस्तीफा राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? इस्तीफा दे सकता है। फिर आ जाइए अगली बातें क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर क्या हो सकता है? इसको समय से पहले हटाया भी जा सकता है, समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है। ठीक है, समय से पूर्व क्या हो सकता है? हटाया भी जा सकता है। तो ऐसी चीजें हम लोग देखे किसमें? उपराष्ट्रपति में देखे। ये क्या है, किसमें हम लोग देख रहे थे? जो है कार्यकाल या पदावधि, टेन्योर। क्या है? टेन्योर। ठीक है, देखो निर्वाचन में कुछ पॉइंट्स थे आपके, क्या थे निर्वाचन में? इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन, फिर प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, समानुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, मतलब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणी मत व्यवस्था, ये सब कीवर्ड है। फिर इसमें इसका निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्लस कितने होने चाहिए? 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक की बात की जाती है। फिर मैंने बताया था अर्हताएं में 66 का 3 है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या हो? योग्यता हो, कोई लाभ का पद ना हो। फिर मैंने किसकी बात की? कार्यकाल की। कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक इस्तीफा दे सकता है। फिर क्या है? समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है। अब आ जाइए, कौन चीज़ बची है आपकी? कोई कपड़ा नहीं है यहाँ पे? हाँ फेंक दीजिए, नहीं हम फेंक दे, कहाँ तक साफ करोगे इसको? हाँ अब आइए, जो है कौन सी चीज़ हम लोग देख रहे हैं बताइए? ये हो गया इसका। अब हटाने की प्रक्रिया एक बार देखो बस, फिर हटाएं बात करें अदर, इसी में अदर टॉपिक की। हाँ बताइए, हटाने की प्रक्रिया में क्या है? हटाने की प्रक्रिया बताइए फटाक से में। हाँ हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया में क्या था? हटाने की प्रक्रिया में क्या है बताइए उसे? हटाने की प्रक्रिया में क्या होता है था? जो है हटाने संबंधी प्रस्ताव, हटाने संबंधी संबंधित प्रस्ताव कहाँ जाएगा? प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। किसमें प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यसभा में। हटाए संबंधी प्रस्ताव कहाँ पे हो जाएगा? और वहाँ पर किसी भी सदन में। वहाँ पर क्या था? किसी भी सदन में। ठीक है, अच्छा इन सब के लिए 14 दिनों का नोटिस पहले देना आवश्यक है। किसको? उपराष्ट्रपति को। कितने दिनों का नोटिस? 14। हाँ अब आइए, हटाने संबंधी प्रस्ताव कितने में? 14। ठीक है, हाँ हटाए संबंधी प्रस्ताव कहाँ पर? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? फिर जो है इसे पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से पास कर दिया गया, पास कर दिया गया तो ये है। फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से भी इसी प्रकार जो है पास हो गया, पास हो गया तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति अपने पद से, पद से हट जाएंगे। ठीक है, हटा दिए जाएंगे या पद से मुक्त हो जाएंगे, पद से मुक्त हो गए। क्लियर? तो दिमाग में रखिएगा, इसका जो हटाने संबंधी प्रस्ताव है कहाँ जाएगा? जो है राज्यसभा में, वहाँ पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत मतलब 50% प्लस, जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब 50%, सदस्य का मतलब पूर्ण बहुमत, टोटल का नंबर, ऐसे नहीं जितने लोग आए उसका बहुमत। ये बहुमत नहीं, फिर तो बहुत जल्दी हट जाएंगे। पूरे कुल का 50% प्लस पूरे कुल का 51% मान लीजिए, क्या होता है? पूर्ण बहुमत, मतलब 50% से ज़्यादा पूरे कुल का, पूरा टोटल का नंबर जितना भी होगा। ठीक है, तो इसका जो बताया गया है इसमें, ठीक है क्लियर। तो आ जाइए, क्या हो बात हो गई, क्वेश्चन आ जाए, इसको हटाने संबंधी प्रस्ताव कहाँ जाएगा? ठीक है,
यदि इसको पूर्ण बहुमत से जो है वहाँ हटा दिया गया, राज्यसभा से मतलब पारित होकर दिया गया, फिर वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास हो गया तो क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा जो है ये उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, क्लियर, या हट जाएंगे। हाँ, अब आइए इसकी शक्ति एवं कार्य, इसकी शक्ति एवं कार्य बताइए जल्दी फटाक से। ये जो है क्या रहता है, किसके रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य, ठीक है। अब सभापति के रूप में कार्य करेगा तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के समान जो इसकी शक्ति होती है, किसके समान होती है, लोकसभा के अध्यक्ष के समान। लेकिन ये जानते हैं राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सदस्य नहीं है। मतलब ये राज्यसभा का सभापति तो है लेकिन सदस्य नहीं है, कौन, उपराष्ट्रपति कहेगा। ऐसा कौन सा पद है जो उस सदन का अध्यक्ष होता है, पीठासीन होता है, लेकिन वह जो है सदस्य नहीं होता है, तो कौन है, उपराष्ट्रपति, क्लियर। अब आइए, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और लोकसभा के अध्यक्ष के समान शक्ति रखता है, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाती है, जो लोकसभा के अध्यक्ष की है, ठीक, कितनी हो जाती है, 4 लाख। कितनी सैलरी हो जाती है, जो लोकसभा के अध्यक्ष की, वही सैलरी किसकी हो जाती है, उपराष्ट्रपति की, क्लियर। तो आइए, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जब राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो ये राज्यसभा में, राज्यसभा में मत का अधिकार भी नहीं है, किसका अधिकार नहीं है, मत देने का, साधारण मत देने का, साधारण बहुमत में साधारण मत देने का अधिकार, जब साधारण बहुमत होता है तो उसमें मत देने का अधिकार इसे नहीं है, इसका अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, ठीक है। राज्यसभा में साधारण बहुमत की स्थिति में क्या हो सकता है, ये मत देने का इसको अधिकार नहीं है। लेकिन मान ली दोनों 50-50 पे फंस गए मामला, तो निर्णायक मत देने का इसको अधिकार है, लेकिन कौन सा मत देने का अधिकार है, लेकिन निर्णायक मत, निर्णायक मत का अधिकार है, अधिकार है, क्लियर, निर्णायक मत का अधिकार है। जब मैं कह रहा था राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, तो सभापति के रूप में कार्य करेगा तो वहां पे आर्टिकल लिख दीजिएगा 64, कौन सा आर्टिकल लिख दिया, सभापति के रूप में जब कार्य करता है, कौन से आर्टिकल में बात की गई है, 64। और लेकिन जब राज्यसभा का सदस्य जो है क्या है, नहीं है, इसीलिए राज्यसभा में साधारण मत देने का अधिकार भी इसे नहीं है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार इसे है। याद रखिएगा, पॉइंटेड बड़ी बातें वो इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन आ जाता है आप में डायरेक्ट पुलिस वगैरह में, और जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें भी आ जाता है। चलिए, तो ये एक शक्ति हो गई, और दूसरी शक्ति एवं कार्य में क्या हो गया, अच्छे बताइए। एक तो पहली शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत क्या लिखे, पहला पॉइंट, फिर इसी में हम लोग लिखे दूसरा पॉइंट, फिर अब हम बता रहे हैं शक्ति एवं कार्य में, राष्ट्रपति की जो है पद रिक्त होने पर, किसका, राष्ट्रपति का पद क्या होने पर, रिक्त होने पर, होने पर कार्यकारी, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, के रूप में 6 माह तक कार्य कर सकता है, 6 माह तक क्या कार्य कर सकता है, कौन 6 माह तक कार्य कर सकता है, किस रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, क्लियर। अब ये जो कार्य कर सकता है, फिर इसी समयावधि के अंदर, समयावधि में राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना आवश्यक है, इसी समय राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना आवश्यक है। अब आइए, लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि अगला उपराष्ट्रपति नहीं आ पाया, अगला जो है कह सकते हो उपराष्ट्रपति नहीं आ पाया, तो ये 5 वर्ष, किसका कितना कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद भी अपनी सीट पर क्या है, बना रहेगा। कहने का मतलब 5 वर्ष बाद भी उपराष्ट्रपति अपनी सीट पर बना रहेगा, जब तक कि अगला उपराष्ट्रपति उस पद पर नहीं आ जाए। ये राष्ट्रपति के लिए भी है, वो भी 5 वर्ष के बाद भी अपने सीट पर बना रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति ना जाए, क्लियर। वैसे तो 5 साल है लेकिन तब तक बना रहता है, क्लियर। लेकिन सीटें रिक्त हो गई तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और ये कभी मैंने आर्टिकल बताया था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कौन सा आर्टिकल, 65।
तो ये भी दिमाग में रखेगा, जब कार्य करेगा तो उसको वेतन भत्ते सब किसके तरह मिलेंगे, राष्ट्रपति की तरह। क्लियर? तो ये बातें मैंने बता दी। तो किसमें हो गया, उपराष्ट्रपति में। अब बस चुनाव वाला मैटर बताया, उसको भी खत्म किए। चुनाव का मैटर क्या है इसका, चुनाव नहीं, जो है चुनाव विवाद, चुनाव संबंधी विवाद। जब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, के चुनाव संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय, का अंतिम निर्णय, चुनाव संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो दिमाग में ये भी रखिएगा। एक और बात दिमाग में रख सकते हो, सपोज दैट क्या हो रहा है, सुप्रीम जो है क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हो, जो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पर क्या रहा हो, उसका निर्वाचन रहा हो, मतलब वो उपराष्ट्रपति पर हो चुका हो, तो सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई डिसीजन आता है कि उसका चुनाव कैसा था, अवैध था, तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो पहले किए गए कार्य हैं वो वैध, अवैध नहीं माने जाएंगे, वैध रहेंगे, वो अवैध। मतलब कहने का मतलब, उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो, बाद में पता चला उसका चुनाव कैसा है, अवैध है, तो उपराष्ट्र, तो जो हो सुप्रीम कोर्ट घोषणा करेगा तो कहे, तो जो घोषणा जहां से आएगी, मतलब जो क्या माना जाएगा, उसका चुनाव क्या है, अवैध हुआ है, तो उस घोषणा से पहले उसने जो भी उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए कार्य किया होगा वो सब क्या है, वैलिड है। बात समझे, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के बाद कोई ऐसे बात आती है कि उसका चुनाव कैसा था, अवैध है, तो ये अवैध की बात जब आ रही है, लेकिन इससे पहले जो भी उसने कार्य किया है वो सब क्या माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। मतलब उसने जो पहले कार्य किए हैं वो नहीं माने जाएंगे, बाद के कार्य पे क्या उसको जो भी प्रावधान होगा हटाने का, वो सब जो सज़ा भी होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो बाद की बातें हैं। क्लियर? तो दिमाग में रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पिछली बार PCS 2023 में राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया था। क्लियर? तो अब तो उपराष्ट्रपति आपका क्या है, टॉपिक कंप्लीट है। इसमें उपराष्ट्रपति में भी लिख लेगा किस आर्टिकल में बात की गई उपराष्ट्रपति की, 63 में। किस आर्टिकल में, 63। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक को क्या किया, कवर किया है। इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं था, उपराष्ट्रपति छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर? तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट सब दिमाग में रखिएगा, यही सारी बातें हमने चर्चा कर दी। क्लियर?